श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए नारायण भगवान की जय। बोलिए अपने अपने पितृ परमेश्वरों की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री ज्योतिष मिराकल के आज के एपिसोड पर आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी भक्त स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सदा पितर देवताओं की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, क्योंकि देवताओं की कृपा के साथ साथ पितरों की कृपा का भी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देवता उन्हीं घरों में प्रसन्नता पूर्वक आते हैं जहाँ के पितर देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं। अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए हमें समय समय पर दान, पुण्य, श्राद्ध, तर्पण करते रहना चाहिए, जिससे घर में कभी भी पितृ दोष का निर्माण नहीं होता। कहते हैं जिन घरों में पितरों के लिए ना तो दान होता है, ना कभी कोई श्राद्ध होता है, ना कभी तर्पण होता है, ऐसे घरों में घोर पितृ दोष का निर्माण होता है, जिसके कारण परिवार में बीमारी, लड़ाई झगड़े, धन की कमी, ऐसे महासंकट आने लगते हैं। तो साथियों, पितरों की प्रसन्नता के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए पितरों का भजन, पूजा पाठ जरूर करते रहना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ साल 2021 में श्राद्ध किस दिन से शुरू होंगे, कब शुरू होंगे और कब अंतिम श्राद्ध होगा, अमावस्या का श्राद्ध कब होगा, पूर्णिमा का श्राद्ध कब होगा और बीच में एक दिन खाली है, उस दिन श्राद्ध क्यों नहीं होगा। आज के इस एपिसोड में श्राद्ध 2021 से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए आपने आज का यह एपिसोड पूरा देखना है ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। मेरे प्यारे साथियों, हमारी कोशिश रहती है कि आपके लिए सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट जानकारी हम लेकर के आएं, लेकिन यहाँ पर आपका भी कर्तव्य बनता है कि एपिसोड को शेयर जरूर करें ताकि अन्य लोगों तक भी वह जानकारी जरूर पहुँच सके। तो चलिए अब विष्णु भगवान को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे। ओम विष्णवे नमः। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात कर रहे हैं साल 2021 में श्राद्ध कब और किस दिन से शुरू होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि श्राद्ध किसे कहते हैं। साथियों, पितरों के लिए जो अमुक विशेष दिन होते हैं उन्हें श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष कहा जाता है। कहा जाता है कि श्राद्ध के दिनों में आपके पितर देवता स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आते हैं और आप जो श्रद्धा भाव से उनके लिए ब्राह्मण भोजन करवाते हो या पिंड दान देते हो या तर्पण करवाते हो, वह आपके पितरों को प्राप्त होता है। जिन घरों में श्राद्ध के समय में पूर्वजों के लिए ब्राह्मण भोजन होता है, पिंडदान होता है, तर्पण होता है, ऐसे घरों के पितर देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं और शुभ शुभ आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग लोक को जाते हैं। लेकिन वहीं पर जिन घरों में ना तो कभी कोई श्राद्ध होता है, ना कभी कोई पिंडदान होता है, ऐसे घरों से पितर देवता हमेशा अपना अशुभ आशीर्वाद देते हैं और उस परिवार को कई संकटों का
सामना करना पड़ता है। तो चलिए ये जानकारी तो मैं आपको आगे दूंगा, अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि साल 2021 में श्राद्ध कब और किस दिन से शुरू होंगे। तो साइड में मैं यहां स्क्रीन पर भी शेयर करूंगा, यहां से भी आप डिटेल नोट कर सकते हैं। पितृपक्ष श्राद्ध 2021 शुरू होंगे सोमवार 20 सितंबर से और पितृपक्ष समाप्त होगा बुधवार 6 अक्टूबर। ये सारी डिटेल अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अच्छी तरह से इस डिटेल को आप नोट करिएगा। बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, चाहे तो आप इसे नोट कर लें, कहीं पर लिख लें। पितृपक्ष श्राद्ध 2021 शुरू होंगे सोमवार 20 सितंबर को और समाप्त होंगे बुधवार 6 अक्टूबर को। साथियों अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तिथि का श्राद्ध किस दिन पड़ेगा, यह डिटेल भी स्क्रीन पर आपके साथ शेयर करूंगा, यहां से आप अच्छी तरह से ध्यान से नोट करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम 20 सितंबर की बात करते हैं। तो 20 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध होगा, 21 सितंबर को होगा प्रतिपदा का श्राद्ध, 22 को होगा दूज का श्राद्ध, 23 को होगा तीज का श्राद्ध, 24 को होगा चतुर्थी का श्राद्ध। जी हाँ, एक बार फिर मैं बता देता हूं, 20 सितंबर पूर्णिमा का श्राद्ध, 21 सितंबर पड़वा का श्राद्ध, 22 सितंबर दूज का श्राद्ध, 23 सितंबर तीज का श्राद्ध, 24 सितंबर को होगा चतुर्थी का श्राद्ध, 25 सितंबर को होगा पंचमी का श्राद्ध, 26 सितंबर को कोई भी श्राद्ध नहीं होगा, 26 को रिक्ता तिथि है। बात करते हैं अगली, 27 सितंबर को होगा षष्ठी का श्राद्ध, 28 सितंबर को होगा सप्तमी का श्राद्ध, 29 सितंबर को होगा अष्टमी का श्राद्ध, 30 को होगा नवमी का श्राद्ध, 1 अक्टूबर को होगा दशमी का श्राद्ध। स्क्रीन पर डिटेल आप अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली, 2 अक्टूबर को होगा एकादशी का श्राद्ध, 3 अक्टूबर को होगा द्वादशी का श्राद्ध, 4 अक्टूबर को होगा त्रयोदशी का श्राद्ध, 5 अक्टूबर को होगा चतुर्दशी का श्राद्ध, 6 अक्टूबर को होगा सर्व पितृ अमावस्या महाल्य का श्राद्ध। स्क्रीन से डिटेल आप अच्छी तरह से नोट कर लें, महत्वपूर्ण जानकारी है। तो मुझे उम्मीद है कि सारी डिटेल अच्छी तरह से आपने नोट कर ली होगी। प्यारे साथियों, मैंने अच्छी तरह से आपको कोशिश की है कि आपको पता चले किस तिथि का श्राद्ध किस दिन है, और मुझे भी उम्मीद है सारी जानकारी आपको स्पष्ट सरल रूप में समझ में आ गई होगी। साथियों, श्राद्ध के दिनों में जिस दिन आप अपने पितरों का, आपके पितर का श्राद्ध है, उस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को निमंत्रण दें, उनके पैर धुलवाएं, भोजन करावें, भोजन कराने के बाद यथाशक्ति दान दक्षिणा दें, या अन्य भी अगर कोई सामान आप दक्षिणा में देना चाहते हैं वह भी जरूर दें, क्योंकि आपके पितरों को वही प्राप्त होता है जो श्रद्धा समान आप ब्राह्मण को दान देते हैं। पितरों की कृपा प्राप्ति तो घर में सुख शांति। आशा करता हूं जानकारी पसंद आएगी, लाइक कमेंट जरूर करना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए ओम पितृदेवाय नमः।